हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा पर जो है रिक्रूटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा पर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, बराबर हर एक रेलवे जो रिक्रूटमेंट सेल है, जितना भी उसके पास पोस्ट होता है वो निकाला जाता है। तो उसमें जो है आप एलिजिबल कब होते हैं और सिलेक्शन का क्या प्रोसीड्योर है, ये आपको बताते हैं। तो एलिजिबल क्या है, जैसे कोई भी जो नेशनल चैम्पियनशिप जो अगर होता है गेम का, जैसे हो सकता है किसी प्रकार का एशियन गेम्स हो सकता है, कॉमनवेल्थ गेम्स हो सकता है, साउथ एशियन गेम्स हो सकता है, ओलंपिक गेम्स हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, खो खो हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, किसी भी प्रकार का गेम्स जो होता है उसमें आपका क्या एक्चुअली स्थान रहा है वो सर्टेन एक्चुअली इवेंट में, तो उसके आधार पर जो है उसका क्राइटेरिया होता है एक्चुअली एलिजिबिलिटी का। तो जैसे ही आप एक कोई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उसमें सर्टेन ये सारे प्रोसीड्योर वगैरह जो है मेंशन किया जाता है कि क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडवर्टाइजमेंट भी आप डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता है, 100 मार्क्स का जो है आपका एक टेस्ट टाइप का ही होगा, और वो जितना मार्क्स उसमें आएगा आपको उसके बेसिस पर जो है आपका जो पोस्ट होता है, जैसे लेवल 5 का या 4 का या 3 का या 2 का या लेवल 1 का, ग्रेड पे 1800 से 2800 का, ग्रुप सी और ग्रुप डी का, उसमें आप एलिजिबल होंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप जो असेसमेंट वगैरह जो किया जाता है रिकॉग्नाइज, जैसे असेसमेंट जो होता है एक्चुअली किसी भी फील्ड में, जैसे हो सकता है जैसे रिकॉग्नाइज जो आपके पास स्पोर्ट्स का जो अचीवमेंट है उसका जो है 50 मार्क्स रखा जाता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ये 50 मार्क्स का रखा जाता है सिलेक्शन के केस में। उसके बाद जो है दूसरा क्राइटेरिया रखा जाता है, जैसे गेम स्किल में आपका एक्चुअली जैसा रहेगा उसके बेसिस पर जैसे 40 मार्क्स रखा जाता है। इसके अलावा जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है 10 मार्क्स रखा जाता है। तो ये टोटल 100 मार्क्स का जो है आपका इस प्रकार से जो है टेस्ट लिया जाता है। एक सर्टेन जो है कमिटी वगैरह जो है रिव्यू करता है, 50 मार्क्स का जो आपको बोले असेसमेंट जो किया जाता है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अचीवमेंट का, वो ट्रायल कमिटी होता है, वो आपको मार्क्स देगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10 मार्क्स निर्धारित उस पर होता है, और गेम में क्या स्किल है आपका उसका जो है 40 मार्क्स का रहता है। उसके बेसिस पर जो है लेवल जो ग्रेड पे जो है 2800, 2400, 1900, 1800 इस पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो जब आप फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो ये सारे डिटेल वगैरह जो है आप देख सकते हैं, क्या आपका एक्चुअली जो क्वालिफिकेशन रखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप फॉर्म फिलअप करें, सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा पर जो है कैसे सिलेक्शन किया जाता है और क्या इसका प्रोसीजर होता है, इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।